जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आज के बेहतरीन सेशन में कैसे दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उसको हम डिटेल से डिस्कस भी करेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखिए संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा छत्तीसगढ़ में कब से स्वीकार की गई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं जल्दी से अपना आंसर टिक करें जी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए जून उन्नीस इस क्वेश्चन के बारे में अतिरिक्त जानकारी और देख लीजिए इस प्रकार की जानकारी आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी तो इसके लिए मैं एक लाइक डिजर्व करता हूँ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा राष्ट्रीय वन नीति उन्नीस के तहत जून उन्नीस में संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को राज्य में स्वीकार किया गया इसके माध्यम से बिगड़े वनों को सुधार तथा सहायक पुनरुत्पादन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे आपको दो डेट देखने को मिल रहा है उन्नीस सौ अट्ठासी और उन्नीस सौ नब्बे ठीक है तो ये दोनों डेट को आपको याद रखना है क्लियर है अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित जिलों में से किसमें नागेश जनजाति पाई जाती है ऑप्शन दिए हुए दोस्तों दुर्ग है धमतरी है रायगढ़ है या राजनांदगांव है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी रायगढ़ यहाँ पे आपको ऑप्शन में चेंज देखने को मिल सकता है ठीक है तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे व्याख्या देखिए क्लियर हो जाएगा सरगुजा जसपुर और रायगढ़ क्षेत्र में निवास करने वाली नागेश्वर जनजाति स्वयं को किसान के रूप में मानती है तथा बोलचाल में सादरी बोली का प्रयोग करती है बोली से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों तो आपको याद रखना है कौन सी बोली सादरी बोली ठीक है यहाँ पे तीन जिले दिए गए हैं दोस्तों सरगुजा है जसपुर है और रायगढ़ है रायगढ़ आपको ऑप्शन में देखने को मिला है ठीक है अगर चेंजेस की मैंने बात किया था तो वहाँ पे सरगुजा या फिर जैसपुर आ सकता है ठीक है तो आपको ऑप्शन को ध्यान से देखना है इन तीनों में से कोई भी एक रहेगा तो उसे आप आंसर ले सकते हैं क्लियर है तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ इस राज्य की अंतिम सीमा किस जिले से बनती है यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों अंतिम सीमा दिया गया है ठीक है अंतिम सीमा दिया गया है मतलब आपका ऑप्शन और भी हो सकता है ठीक है यहाँ पे दिशा का उल्लेख नहीं है दिशा का उल्लेख रहता तो पर्टिकुलर एक ऑप्शन सही रहता व्याख्या देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा ऑप्शन दिए हुए दोस्तों जल्दी से अपना आंसर टिक करें जी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी सुकमा व्याख्या देखते हैं बलरामपुर छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जबकि सुकमा सबसे दक्षिण जिला है राज्य का सबसे पश्चिम छोर बीजापुर है अगर हम सबसे पूर्वी छोर की बात करें तो जसपुर जिले स्थित है ठीक है दोस्तों यहाँ पे चार जिले आपको देखने को मिल रहा है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ठीक है दोस्तों और वहाँ पे क्या दिया गया है क्वेश्चन में अंतिम सीमा मतलब वहाँ पे दिशा का उल्लेख नहीं है तो आपको ये चारों याद रखना है ठीक है दोस्तों ऑप्शन में आपको सुकमा देखने को मिला था इस कारण आपने ऑप्शन में सुकमा को राइट आंसर लिया है ठीक है अगर सुकमा की जगह बीजापुर आता तो बीजापुर भी राइट हो जाता ठीक है क्योंकि वहाँ पर दिशा का उल्लेख नहीं है अगर पर्टिकुलर कोई दिशा पूछा जाता है तो फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से देखना है जैसे उत्तरी पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है दोस्तों बलरामपुर आ जाएगा दक्षिण पूछा जाएगा तो सुकमा आ जाएगा ठीक है तो उत्तरी कौन सा है बलरामपुर है अगर दक्षिण की बात करें तो सुकमा है और पश्चिम की बात करें तो बीजापुर है अगर पूर्वी छोर की बात करें तो दोस्तों जसपुर है ठीक है ये चारों आपको याद रखना है क्लियर है तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ नर्तक सर्वस्व के लेखक हैं ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दोस्तों ऑप्शन देखिए राजा बहादुर सिंह राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह एक क्वेश्चन सी जी पी एस सी मेन्स दो के एग्जाम में देखने को मिला था तो अपना राइट आंसर टिक करे जी दोस्तों अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट right है राजा चक्रधर सिंह व्याख्या देखिए राजा चक्रधर सिंह द्वारा कथक पर केंद्रित प्रथम शास्त्रीय ग्रंथ नर्तक सर्वस्व की रचना की गई इसके द्वारा रचित मूरज परन पुष्पकार को कथक का विश्वकोश कहा जाता है तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना है दोस्तों नर्तक सर्वस्व की रचना राजा चक्रधर सिंह के द्वारा किया गया है ठीक है और मूरज परन पुष्पकार को विश्वकोश कहा जाता है किसका कथक का क्लियर है दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ अकलतरा में जन्मे एक स्वतंत्रता सेनानी एवं एक बैरिस्टर थे कौन थे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं फटाफट अपना आंसर टिक करें जी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए छेदीलाल व्याख्या देखिए बैरिस्टर छेदीलाल का जन्म अट्ठारह में अकलतरा में हुआ ठीक है दोस्तों ये आपको याद रखना है डेट कौन सा है अट्ठारह बैरिस्टर के साथ एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे उन्नीस में ये डेट आपको याद रखना है गठित संविधान निर्माती सभा में मध्य प्रांत एवं बरार से उन्हें भी चुना गया था और भी नाम है दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसा बनता है उन्नीस में गठित संविधान निर्माती सभा में मध्य प्रांत एवं बरार से किन्हें चुना गया था तो आपको एक नाम याद रखना है बरिस्टर छेदीलाल और भी नाम है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे अभी आपको इतना याद रखना है तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति दो हजार के प्रमुख उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है क्या शामिल नहीं है दोस्तों ये आपको बताना है यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं ये भी क्वेश्चन सीजीपीएससी के 2017 के एग्जाम में देखने को मिला था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तो अपना राइट आंसर टिक करें जी दोस्तों अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है कोर सेक्टर को प्रोत्साहित करना आप लोग सोच रहे होंगे दो से उन्नीस का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा तो आगे आप लोग को पता चल जाएगा इस क्वेश्चन को मैंने क्यों एड किया है व्याख्या देखिए छत्तीसगढ़ के औद्योगिक नीति 2014-19 के अंतर्गत प्रमुख देशों में कोर सेक्टर को प्रोत्साहित करना सम्मिलित नहीं है राज्य शासन ने 1 नवंबर 2019 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा 2019 से 2024 तक के लिए की है तो अब आपको तो पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन को मैंने क्यों इंक्लूड किया है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों औद्योगिक नीति दो हजार के अंतर्गत प्रमुख देशों में कोर सेक्टर को प्रोत्साहित करना सम्मिलित नहीं है ठीक है दोस्तों राज्य शासन ने 1 नवंबर 2019 को नए औद्योगिक नीति की घोषणा की तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है नए औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी और कब से कब तक है तो आपको याद रखना है दोस्तों एक नवम्बर दो को ठीक है और कब से कब तक है दो से लेके दो तक यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं तो आपको याद रखना है किल्लर है दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है यहाँ पे एक विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में पूछा गया है ऑप्शन दिए हुए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी अबूज मारिया व्याख्या देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कुछ जनजाति समूह ऐसे हैं जो अन्य जनजातियों से भी अधिक पिछड़े हुए हैं इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति आदिम जनजाति कहा जाता है छत्तीसगढ़ में पांच जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है कौन कौन सा है दोस्तों नाम आपको याद रखना है बैगा है बिरहोर है कमार है अभुज मारिया है तथा पहाड़ी कोरवा है यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों पहाड़ी कोरवा ठीक है अभुज मारिया को हमने ऑप्शन में देखे थे ये शामिल है कितने हैं दोस्तों टोटल पाँच है ठीक है आगे, आगे और देखने को मिलेगा यहाँ पे देखिए इनके अलावा राज्य शासन द्वारा वर्ष दो हजार में पंडो तथा भुजिया जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति के समतुल्य माना गया है ठीक है दोस्तों तो पहले कितना था पांच उसके बाद दो हजार दो तीन में दो को और ऐड किया तो टोटल कितना हो गया दोस्तों सात ठीक है तो ये सभी तथ्य को आपको याद रखना है कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ छत्तीसगढ़ के एक बहुउद्देशीय बांध रविशंकर जलाशय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं दोस्तों उनमें से सही है ये आपको बताना है ठीक है तो जल्दी से अपना आंसर टिक करें जी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी धमतरी जिले में महानदी पर बांध व्याख्या देखिए उन्नीस में महानदी पर धमतरी जिले के गंगरेल नामक ग्राम के निकट रविशंकर जलाशय का निर्माण किया गया था ठीक है दोस्तों डेट आपको याद रखना है उन्नीस ठीक है कहाँ पे धमतरी जिले के गंगरेल नामक ग्राम के निकट ठीक है दोस्तों रविशंकर जलाशय जिसे हम गंगरेल बांध कहते हैं आगे देखिए यह महानंदी परियोजना का सबसे बड़ा बांध है यहाँ दस मेगावाट क्षमता की जल विद्युत उत्पादन इकाई भी स्थापित है कितना मेगावाट दोस्तों दस मेगावाट क्लियर है बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगने का प्रमुख अधिकारी कौन था यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों जल्दी से अपना आंसर टिक करें जी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी कम इजदार व्याख्या देखिए छत्तीसगढ़ में नियुक्त तो दूसरे सूबेदार विठल राव दिनकर ने छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति की शुरुआत की तथा इसका प्रमुख कम इस कहलाता था इसने छत्तीसगढ़ में गढ़ व्यवस्था को समाप्त करते हुए छत्तीसगढ़ को सत्ताईस परगनों में विभाजित किया ठीक है दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो आपको याद रखना है दोस्तों छत्तीसगढ़ में नियुक्त तो दूसरे सूबेदार का नाम क्या था विठ्ठल राव दिनकर ठीक है जिसने छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति की शुरुआत की यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा बन सकता है छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई तो आपको नाम याद रखना है दोस्तों विठल राव दिनकर ठीक है इसका प्रमुख को कम विस्तार कहते थे ठीक है छत्तीसगढ़ में गढ़ व्यवस्था को समाप्त करते हुए सत्ताइस परगनों में विभाजित किया ठीक है दोस्तों तो आपको संख्या याद रखनी है कितने सत्ताइस तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दसवें नंबर क्वेश्चन देखिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन कब हुआ कौन से डेट को हुआ है दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं फटाफट अपना आंसर टिक करें जी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए पंद्रह नवंबर 2000 व्याख्या देखिए पंद्रह नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन किया गया था ठीक है दोस्तों डेट आपको याद रखना है पंद्रह नवंबर 2000 को उन्नीस दिसंबर 2008 को इसका पुनः गठन किया गया और इसे पांच कंपनियों में विभाजित कर दिया गया यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में डेट आपको याद रखना है उन्नीस दिसंबर दो को ठीक है पुनर्गठन किया गया था और पाँच कंपनियों में विभाजित किया गया था तो ये दोनों डेट आपको याद होनी चाहिए पंद्रह नवम्बर दो और उन्नीस दिसंबर दो क्लियर है दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ सुरेंद्र दुबे को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आप लोग को डिटेल से कमेंट करना है वीडियो के रिकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं आपका कमेंट का इंतजार रहेगा तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक खुश रहे दूसरों को भी खुश रखें जय हिंद